अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस मरियम याकूब हूँ। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और आप उसे साथ साथ याद भी ज़रूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 6, कायद आज़म रहमतुल्ला। सबक नंबर 6, कायद आज़म रहमतुल्ला के सवालात और उनके जवाबात। इससे पहले हमने इसके अल्फाज मानी और जुमले कर लिए हैं, उम्मीद है आपने इनको याद ज़रूर किया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म हमारे बानी थे। कायद आज़म हमारे बानी थे। बानी उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को शुरू करता है, किसी चीज़ की इब्तिदा करता है या बुनियाद रखता है। तो कायद आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, इसीलिए कायद आज़म हमारे बानी हैं। कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म हमारे बानी थे। क्वेश्चन नंबर 2, कायद आज़म का पूरा नाम क्या था? कायद आज़म का पूरा नाम क्या था? अक्सर हम जल्दबाजी में सिर्फ कायद आज़म बोलते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कायद आज़म का पूरा नाम क्या था। कायद आज़म का पूरा नाम, कायदे आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिना था। कायदे आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिना था। अगला सवाल, हमारा तीसरा और आखिरी। कायदे आज़म की मेहनत से हमें क्या मिला? कायद आज़म की मेहनत से हमें क्या मिला? यानी कायद आज़म ने इतनी मेहनत की, किस चीज़ के लिए मेहनत की और हमें फिर क्या मिला? देखिए जवाब, कायद आज़म की मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला। जी बेटा, कायद आज़म की मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला। कायदे आज़म ने दिन रात अनथक यानी कि थके बगैर कोशिश की, बीमार होने के बावजूद भी वो मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला। आज हम पाकिस्तान में आज़ाद रह रहे हैं, आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सिर्फ़ कायदे आज़म की बदौलत, क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, उनकी मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी सॉल्व करना है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए या इससे मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। कल का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक होगा इसम और जुमला की तारीफ। ग्रामर करनी है हमने और ग्रामर में हमने करना है इसम और जुमला की तारीफ। आपने इन सवालात को याद करना है और ग्रामर को भी एक बार रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।